हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ्स अवकलन, जिसमें आप पढ़ चुके हैं 5.5 एक्सरसाइज तक पढ़ चुके हैं वो अच्छे तरीके से। अगर उसमें कोई क्वेश्चन जो हमने बताया था इस टाइप से लग जाएगा, अगर आप लगाए होंगे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में रहा होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिए सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो एक शॉर्ट नोट हम आपको या शॉर्ट वीडियो आपको बना के उसका सलूशन आपको ज़रूर दे देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा। आज हमें पढ़ना है 5.6, तो आइए देखते हैं 5.6 में है क्या। लिखा हुआ है यदि प्रश्न, देखो कहा गया है, क्या कहा गया है ब्लैक से, कि यदि प्रश्न एक से दस तक में यक्स और वाई के समीकरण द्वारा एक दूसरे को प्राचलिक रूप से संबंधित हो, तो प्राचल कह रहा प्राचल का विलोपन किए बिना डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। मतलब प्राचल का विलोपन किए मतलब हो जाएगा जैसे एक्स वाई का मान दिया गया। हम एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ये थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, छोटा कर देते ताकि बहुत ज़्यादा बस आपको क्वेश्चन चाहिए वो हम अलग लिख देंगे। हर क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, बस अपने लिए क्वेश्चन लिए एक एक क्वेश्चन, ताकि ये रहे हमें कि हम क्वेश्चन को क्या कर सकें, देख सकें कि क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है क्या है क्वेश्चन, एक्स बराबर, जैसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक्स बराबर 2at² फिर देखो वाई बराबर लिखा है 8t⁴। तो ये क्या है, टी के पदों में प्राचल है, यानी यही कहा जाएगा टी के पदों में प्राचल, प्राचल समीकरण है यानी टी के। तो ये कहा गया टी को बिना हटाए, यानी आप टी को हटाइए ना कि ऐसे हटा दीजिए कि यहां पर टी की वैल्यू लाके पुट करके एक्स के फॉर्म में, तो ऐसा कर दो, वैसा आपको नहीं करना है। यानी टी को बिना हटाए आपको क्या करना है, इसका अवकलन करके हमें क्या ज्ञात करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ये ज्ञात करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया जैसे दिया गया वैसे ले लो। अगर हम फर्स्ट इसका उठा लेते हैं, पहला x बराबर कितना है 2at² ये है, तो आप देखना जो प्राचल के पदों में होगा उसी के पदों में क्या कर अवकलन कर देना, यानी यहाँ पर अब हम करेंगे यक्स के सापेक्ष, बार बार करते थे अब यक्स के सापेक्ष नहीं कर, प्राचल के पदों में, प्राचल के पदों का मतलब ये टी के फॉर्म में प्राचल है, तो टी के सापेक्ष क्या कर दीजिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बाई डी टी होगा, और देखो यहाँ 2a कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए t² बाहर नहीं लिख सकते। तो देखो dx बाई कितना बचा dt, और यहाँ पे 2a, इसमें x पावर n लगाओ तो ये हो जाएगा x पावर n का फार्मूला n x की पावर n माइनस वन, तो 2-1 हो जाएगा। अब इसको सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2a इंटू 2t गुणा करा दीजिए, दो दो कितना 4at हो जाएगा। ये क्या आया dx by dt आया, इसको आप क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है इसी में y बराबर 8t⁴ दिया गया है, तथा y बराबर at⁴ तो इसको भी t के सापेक्ष अवकलन के, ना कि इसको x के सापेक्ष, जो दिया गया वो हमेशा प्राचल के ही पदों में, तो हमें दोनों समीकरण का क्या करना है अवकलन करना होता है। तो देखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy by dt, और ए कांस्टेंट इसलिए आगे ले लेंगे dy dt,
और टी की पावर कितना, 4 हो जाएगा। अब क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए जैसे हैं, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ए है, इसमें एक्स पावर एन लगाओ, 4 टी की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो 4 ए होगा और 4 में से 1 घटाएंगे टी क्यूब आ जाए। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड क्या था, डी वाई बाई डी टी था। अब हमें चूंकि आपको बताया थे क्या ज्ञात करना था, डी वाई बाई डी एक्स ये ज्ञात करना है। तो आप क्या करना, कोई भी इक्वेशन हो, पहले एक्स दिया होगा वाई दिया होगा, तो देखो डी एक्स बराबर ये दिया है, इसमें दिया गया है डी एक्स बराबर कितना दिया है, ये डी टी है, डी टी डी एक्स बाई डी टी ये दिया और डी वाई बाई डी टी ये दिया गया। तो हमेशा चाहे जैसा क्वेश्चन होगा, कुछ आपको सोचना नहीं है, आप यक्स वाले को कर देना अवकलन को। तो इसके बाद क्या कर दें, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन क्या फर्स्ट, यानी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी वाई और बाई डी टी हो जाएगा। और देखो उसमें अभी पीछे हमने दिखाया था ये क्या था, डी एक्स बटे डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, और ये कितना, 4 ए टी क्यूब इसके ऊपर वाला, और इसमें देखो इसके नीचे वाला कितना, 4 ए टी हो जाएगा, 4 ए टी हो जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यही तो ज्ञात करना था। और राइट साइड जो कैंसिल आउट हो, तो 4 ए से 4 ए कट गया, एक टी से टी यहाँ पर कट गया, तो क्या बचा, टी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतने ही करना है, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है प्राचल के, आप बहुत सोचो कि बहुत बड़ा ऐसा है कि इनको हम ना कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम, बस आप जैसे टी के फॉर्म में दिया गया उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, और जो वाई वाला पद ऊपर होना चाहिए तो जो ऊपर वाला सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आइए पहले स्क्रीन शॉट ले लो आपको, तो अगला देखते हैं। ये हो गया, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व कर ले। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि एक्स बराबर ए कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर में, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर लिखा हुआ है बी कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है, यानी एक्स बराबर ए कॉस थीटा, बी बराबर वाई बराबर बी कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है इन दोनों को, यानी ये किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में प्राचल है। क्यों, क्योंकि ये थीटा लिखा हुआ है। तो आपको हमने बताया था, सबसे पहले मान लो इसी को सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ थीटा के रूप में प्राचल है, यानी थीटा के रूप में क्या है, रूप में प्राचल समीकरण है। अगर प्राचल समीकरण है तो इसको क्या करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो देखो डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और डी बाई डी थीटा, और ये कितना बना देगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अगर आप गुणा करा दोगे तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कितना दे, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लिया जाए, फर्स्ट मान लिया जाए। फिर इसके बाद दूसरे को बी कॉस थीटा दिया गया, तो आप दूसरे को फिर से करिए, जब दूसरे के करेंगे तथा कितना दिया गया, वाई बराबर बी कॉस थीटा, ये भी वही है, बस बी दिया गया। तो थीटा के रूप में प्राचल है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
जब अवकलन करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट इसलिए आगे लिख देंगे, डी वाई डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर आप इसको गुणा करा दोगे तो डी वाई बाई डी थीटा होगा, और इसके बाद देखो प्लस माइनस गुणा माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप गुणा सेकेंड हो गया। तो अभी हमने क्या कहा, जब डी वाई हमें ऊपर रखना है तो हमेशा हम क्या करते हैं, सेकेंड बटा फर्स्ट कर देते हैं, यानी सेकेंड इक्वेशन बाई क्या हो, फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा। अगर ये ऊपर लिखे हैं तो माइनस बी साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, और देख लो ऊपर डी एक्स बटे डी थीटा लिखे हैं, माइनस ए साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो ये होगा माइनस ए साइन थीटा। देखो ये इससे कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स। आप देखो साइन से साइन कट गया और माइनस बी बाई माइनस ए बचा, और आप माइनस माइनस क्या कर सकते हो, प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये चीज़ इसमें कह रहा था। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें ये पहचानना है कि किसके रूप में करें। तो किसके रूप में करें, जो लास्ट में दिया होगा टी दिया होगा टी, पी दिया होगा पी, फाई दिया होगा फाई, जिसके रूप में दिया होगा उसी के रूप में आप डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन पेपर में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लो। ये हो गया, एक सेकंड रफ कर दें हम। ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, एक सेकंड हम जूम कर दें। जो आसान क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो टिपिकल होगा, जैसे तीन नंबर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लोगे, कंफर्म है, नहीं सॉल्व करना कमेंट्स बॉक्स। फोर नंबर क्वेश्चन है ये भी आप सॉल्व कर लोगे, हाँ। फाइव नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्योंकि फाइव नंबर आप मान सकते हो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल बैठेगा, इसलिए फाइव नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो हम फाइव नंबर सॉल्व कर सकते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये लिखा हुआ है। सेम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि थीटा के रूप में क्या प्राचल है। तो आप पहले इक्वेशन को ले लीजिए, तो पहले इक्वेशन को ले लेंगे कि माना कि x बराबर cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा, ये ले लिया। अब इसको क्या करो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, इधर भी गुणा होगा डी बाई डी थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉस कॉस टू थीटा, ये इतना हो जाएगा। अब कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन आपको चेन रूल मालूम होगा क्योंकि ये टू थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन टू थीटा, ठीक। और टू थीटा का करोगे तो टू थीटा का अवकलन कितना, एक हो जाएगा। आपको चेन रूल बताया थे ना, दो आगे आ जाएगा डी थीटा, ठीक, यानी डी एक्स बटे डी बाई डी एक्स, एक्स बराबर वन होता है, तो डी थीटा बाई थीटा और थीटा का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा। अब आप इसी को गुणा करा दीजिए, जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और टू साइन टू थीटा हो जाएगा। अब आगे कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू साइन टू थीटा को आगे ले लो और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखो साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला अप्लाई करने का साइन टू थीटा, तो
तो साइन टू थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे कितना होगा, टू इंटू टू साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब आप देखो दोनों में साइन कॉमन है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर फोर होगा और ये कॉस थीटा और माइनस कितना वन हो जाएगा। ये कितना आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब इनको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये इतना आ चुका। फिर सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो ऐसे लिखिए दूसरे को, जब दूसरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। फिर इसका क्या करिए, अवकलन करिए किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई, अब वाई कितना डी थीटा, और इस तरफ भी गुणा होगा डी बाई डी थीटा और साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा और साइन कितना हो जाएगा टू थीटा। अब आप देखो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, बोलो याद है कि नहीं आपको, ना याद हो तो कोई बात नहीं हम बता देते हैं, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस थीटा और इसमें लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा और टू थीटा का अवकलन करोगे तो ये कितना होगा टू इंटू वन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और माइनस टू कॉस टू थीटा। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं बन पाएगी कि बन पाएगी, हम ऐसा कॉमन भी नहीं बना सकते हैं कि कोई कॉमन बना सकते, उसको हमने तोड़ भी दिया था लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे तो इससे अच्छा होगा इस पर तो, अगर फार्मूला ये टू है, टू ना होता तब तो बहुत आसान बन जाता, लेकिन टू होने के कारण बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो ये आंसर देखो जो अभी हमने पीछे लिखा था उसको यहाँ तक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, आपको बस यहीं तक कर दो ज़्यादा बेस्ट होगा। यानी इसको जब हम कर दें यहाँ तक कर दें वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ये जब करोगे तो ये आपके लिए क्या फालतू बड़ा हो जाएगा और आंसर इसमें कुछ निकल नहीं रहा है बटे होने पर, तो इसी को हम बना दे रहे हैं डी एक्स बटे डी थीटा। तो आप क्या करते थे हमेशा सेकंड बटे फर्स्ट करते, तो कर दीजिए सेकंड बटा फर्स्ट। जब सेकंड बटा फर्स्ट करेंगे कितना हो जाएगा सेकंड बटे फर्स्ट। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा, यानी ये क्या था डी वाई बाई डी थीटा था, और नीचे क्या होता फर्स्ट में क्या था डी एक्स बटे डी थीटा। तो पहले ये वैल्यू रखो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय इसका कितना है टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो कितना है टू साइन टू थीटा और माइनस साइन थीटा। यहाँ से विशेष टू ना होता तो कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन टू होने के कारण हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, बस क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा इसी पर आंसर छोड़ दें। आंसर कुछ भी आ रहा हो लेकिन ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस टू कॉस टू थीटा और डिवाइडेड बाय टू साइन टू थीटा और माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये इसका सल्यूशन हो जाएगा जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लिए होंगे। इसका भी ले लो। ये भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो रफ करके हम आगे बताते हैं आपको। ये इतना होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे दिया गया है। हम एक बार सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है लिखा हुआ है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है x बराबर a
ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। तो फिर दोबारा भी ले लेंगे वाई का, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई डी थीटा। ए बाहर है, बाहर ही रहने दो, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा से गुणा हो जाएगा और डी बाई डी थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। चलिए आगे सॉल्व करिए, थीटा का थीटा थीटा के सापेक्ष होगा तो वन हो जाएगा, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस थीटा होता है, छोड़ दो ऐसे, यानी डी एक्स बटे कितना आ गया, डी थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब तथा दूसरा दिया गया वाई बराबर, क्या दिया है वाई बराबर, देखो लिखा हुआ है वाई बराबर ए वन प्लस कितना, कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। फिर थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, जब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आप जानते हो डी बाई डी थीटा से गुणा होगा तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, ए कांस्टेंट इसलिए बाहर लिख देंगे, डी बाई डी थीटा वन हो जाएगा, और फिर प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा होगा। चलिए वन का अवकलन करिए, तो वन का अवकलन क्या होता है, जीरो, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, अगर आप गुणा कराएंगे तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा को इक्वेशन सेकंड। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट बटा क्या करते हैं, सेकंड करते हैं, अगर हम फर्स्ट बटा सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड बटा फर्स्ट करते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का निकालना होता है तो ये सेकंड बटा क्या होगा, फर्स्ट। तो देखो सेकंड क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, और बटे इसकी वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन थीटा, और देखो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए ब्रेकेट में वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए डी एक्स बटे कितना, डी थीटा, और ये हो जाएगा ए ब्रेकेट में वन माइनस कॉस थीटा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गए, ये थीटा से थीटा डी थीटा, तो डी वाई वाई कितना बचा, डी थीटा बचा, ये इतना हो चुका। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। एक आपको बताया गया हाफ एंगल का फार्मूला, अब नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं, एक साइन ए बराबर होता है हाफ एंगल का टू साइन ए बाई टू इंटू कितना, कॉस ए बाई टू। दूसरा होता है, फिर इसी को ले लें, कॉस ए बराबर, हमें वन को कैंसिल करना है तो हम वन बराबर लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये होता है, ये भी होता है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, नीचे वाला नहीं प्रयोग कर सकते ऊपर, क्योंकि वन को कैंसिल आउट करना है। तो देखो अप्लाई करिए इसी फार्मूला, जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना, माइनस टू साइन थीटा बाई टू, ए के स्थान पे ये हो जाएगा थीटा है तो थीटा बाई टू, यहाँ पर अप्लाई वन और ब्रेकेट में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये इतना हो जाएगा। अब आप क्या करो, ब्रेकेट को ओपन करो, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस वन, माइनस माइनस का गुणा, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो वन से वन कैंसिल आउट हो गए, जब वन से वन कैंसिल आउट जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे कितना बचा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दो से दो कट गया, और देखो ये साइन से साइन कट गया, तो कितना बचा, माइनस कॉस थीटा बाई टू और बटे नीचे साइन थीटा बाई टू। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, जानते होंगे लिखना क्या होता है, माइनस कॉट थीटा बाई टू, ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ज्ञात करना था, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप।
यहाँ तक आप ले लिए होंगे। हाँ ये भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे जो मेरा क्वेश्चन है इसी में, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपके लिए चुनौती है कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखो 6 नंबर तक हमने बता दिया आपको क्वेश्चन कि कैसे किया जाएगा। अब इसके आगे 7 है 8 है 9 है 10 है और 11, इतने क्वेश्चन हैं, सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, जैसे अभी तक बताया वैसे ही सॉल्व होंगे। आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, 7 8 9 10 जितना है 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको बताएंगे, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको जब हम वीडियो देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही थी, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।